श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। राजा के विशाल सेना को देखकर जब मुनि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए, तब महर्षि ने मंत्रोच्चार पूर्वक बाणों के द्वारा एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे पूरे आश्रम की भूमि ढक गई, सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर कई आक्रमण कर दिए। इस प्रकार कई बार राजा आक्रमण करता रहा और मूर्छित होता रहा। क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बांध डाला। उसके आघात से मुनि का जीवन नष्ट हो गया और वह शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। अब मुनि के वध के बाद जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ भी तात तात कहकर पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। फिर राजा ब्राह्मण जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका अपने पति के मरने से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। उसी क्षण मानस गति से वह चलकर माता के पास पहुंचे। उन्होंने आते ही माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें जानकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा ली और राजा कार्तिवीर्य अर्जुन का वध करने का प्रण लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक में पीड़िता माता को समझाते हुए परशुराम जी ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला और बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदुक और कटु वचन कहने वाला, वह वेद विहित घोर पापी है और वह मार डालने के योग्य है। इसी बीच वहां पर स्वयं महर्षि भृंगु आ पहुंचे। मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब भृगु मुनि ने उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो कि परलोक के लिए भी हितकारी थी। भृगु जी बोले, बेटा, तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न हो और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार के सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान है, क्षण भंगुर है। पुत्र, सत्य के सार और सत्य के बीच तो श्री कृष्ण ही है। तुम उन्हीं का स्मरण करो। वत्स, जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः वापस नहीं लौटती। जो होने वाला है, जो होता है, वह होकर ही रहेगा और आगे भी जो होने वाला है वह भी होकर ही रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध जन्य कर्म सत्य होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? इसलिए बेटा, अब तुम प्रयत्न पूर्वक श्री कृष्ण जी का भजन करो। कौन किसके पितर हैं, कौन किसके पुत्र हैं, यह सभी इस भवसागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। और पुत्र, ज्ञानी लोग कभी विलाप नहीं करते, इसलिए अब तुम मत रो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नर्क में जाना होता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रोते हैं, अर्थात जिस जिस का नाम लेकर रोया करते हैं, उसे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी जलांश को जल शून्य और आकाश वायु के अंश को वायु और तेजांशु अंशों में विलीन हो जाते हैं। फिर भला रोने से कौन वापस आ सकता है? मरने के बाद तो शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, तुम इस समय वही करो। इस प्रकार भृगु के उन वचनों को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि ने कहना आरंभ कर दिया कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का ही अनुगमन करना चाहती हूँ।
दूसरों को मान देने वाले वह मेरे पति देव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए वेद वेता में श्रेष्ठ हैं। मुने बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जिसके फलस्वरूप आप सहसा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सुनकर भृगु ऋषि कहने लगे, अहो महासती, तुम अपनी पुण्य आत्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, और जो दान देता है वही बंधु है। जो गुरु की याचना करता है वही शिष्य है, और जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है। जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, और जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है। रेणुका को समझाकर भृगु मुनि परशुराम जी से कहने लगे, महाभागवत यहाँ आओ और इस अमंगल शोक को त्याग दो। भृगु नंदन अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्थान कर दो, नया वस्त्र दो, यज्ञो पवित्र पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक आरती से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो भी तीर्थ हैं उन सबका ध्यान करो। आदि तीर्थ पुण्यम पर्वत कुरुक्षेत्र सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी यमुना कोशिकी संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभंगा गंडकी काशी गंधमादन हिमालय कैलाश आदि पर्वत वाराणसी प्रयाग पुण्यम वन वृंदावन हरिद्वार और बद्री इन सबका बार बार ध्यान करो। फिर चंदन अगरु कस्तूरी और सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से ढककर पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। अब भृगु मुनि के कहे अनुसार परशुराम जी ने अपने गोत्र वालों के साथ मिलकर वह सारा कार्य संपन्न किया। इसके बाद रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को अपने हृदय से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे कि बेटा, इस भवसागर में विरोध ना करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रव का कारण है। इसलिए भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध ना करना ही उचित है, किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा जी के साथ विचार करके जैसा उचित है वैसा ही करना। सज्जनों द्वारा आलोचक शुभ कारक होता है। ऐसा कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का ध्यान करते हुए परशुराम जी की ओर निहारती हुई चिता में ही सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम जी ने चिता में आग लगा दी और फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम राम नाम का उच्चारण करके परशुराम जी के देखते ही देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर चार भुजाएं थी जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट कुंडल तथा रेशमी पीताम्बर से सुसज्जित थे। उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक ले गए और जमदग्नी को लेकर श्री हरि के निकट जा पहुंचे। वहां बैकुंठ में वो दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्चा और मंगलों की मंगल करते हुए श्री हरि के सानिध्य में ही रहने लगे। नारद, इधर परशुराम जी ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया और फिर गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र स्वर्ण से निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया जल अन्न चंदन रत्न आदि देकर बहुत सारा दान दिया और जो सामग्री थी उस सभी का दान देकर वे ब्रह्मलोक को चल दिया। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम जी ने भक्ति भाव से अव्यय आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते रोते सारी घटना कह सुनाई। कृपामयी ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम जी की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ कि प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके परशुराम जी ने परिणाम में सुखदायक वचन बोले,
ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयता पूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूपहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट कर देने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चार प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से बार बार आविर्भव और तिरोहित होती है। अन्यथा किसी प्रात कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, तुम्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर जी की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर जी के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती जी और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। इसलिए जो विजय का कारण और शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर जी से श्री कृष्ण जी के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है, उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, इसलिए मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं, यही अटल सत्य है। रघुनंदन, तुम त्रिलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूपहित कर डालोगे। तुम्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। उस दिन उनके दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को अवश्य ही जीत लोगे। इसके बाद परशुराम जी किस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी की शरण में पहुंचे और वहां पर जाकर क्या हुआ, इसका वृतांत जानने के लिए उम्मीद है कि आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।